दिल्ली के लाल किले पर 15 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक होने वाले विंटेज कार रैली को लेकर गुरुग्राम में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। 2 दिन चलने वाले इस कार रैली में सैकड़ों पुरानी कारें हिस्सा लेंगे, जिनमें विदेशी विंटेज कार भी होगी, जो कि 100 साल से भी ज्यादा पुरानी कारें होंगी। 21 गन सैल्यूट इंटरनेशनल विंटेज कार रैली और कॉन्कर्ड शो बीते कई सालों में आयोजन के बाद अब दिल्ली NCR में अच्छा खासा नाम रखती है। इसी के साथ ही इस कार रैली का 9वां सत्र एक शानदार और भव्य अंदाज में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें एक बार फिर कई नेशनल और इंटरनेशनल विंटेज एवं क्लासिक कारों के मालिकों ने भारत की इस सर्वाधिक प्रतिष्ठित विंटेज कार एक्स्ट्रावेगेंस शो में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की। 9th edition 21 गन सैल्यूट इंटरनेशनल विंटेज कार रैली एंड कॉन्कॉर्ड शो का जो होने जा रहा है, ये हमें बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि ये अभी तक का सबसे बहुत ही बड़ा आयोजन है, जिसमें कि 37 इंटरनेशनल जूरी मेंबर्स आ रहे हैं 30 देशों से, और 15 देशों से इसमें जो मोटरिंग कार कलेक्टर्स हैं वो भाग लेने के लिए आ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर हम इस रैली और कॉन्कॉर्ड शो का आयोजन कर रहे हैं, और ये भारत को जो वैश्विक मानचित्र है मोटरिंग टूरिज्म का, उसमें एस्टेब्लिश करना हमारे का जो उद्देश्य है हमारा, वो हमें पूरा करने में सहयोग हो रहा है बहुत। 15 और 16 फरवरी को ये आयोजन होगा। इसमें 15 फरवरी को सुबह 8 बजे फ्लैग ऑफ होगा इंडिया गेट से, और वहाँ से फ्लैग ऑफ करके ये 151 गाड़ियाँ वहाँ से सफ़र तय करके गुड़गावा कर्मा लेकलैंड्स गोल्फ फोर्ट पहुँचेंगी, और वहाँ पर इनका डिस्प्ले पब्लिक के लिए खोला जाएगा, और जहाँ पर भारत के विभिन्न प्रदेशों से आए हुए कलाकार इन गाड़ियों के साथ अपने कला का प्रदर्शन करेंगे, और सभी जो आने वाले वहाँ जो लोग हैं जो उस प्रदर्शन को देखने आएंगे, उन्हें गाड़ियों के साथ भारतीय कला और संस्कृति को भी देखने का सौभाग्य मिलेगा। इस साल विंटेज कार रैली को एक बड़े स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें 125 से अधिक चुनी गई विंटेज एंड क्लासिक कारों को पहले के सत्रों से बेहद विशाल और भव्य स्तर पर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य भारत को एक विश्व स्तरीय मॉनिटरी टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर स्थापित करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियां जो आ रही हैं वो, और साथ में जो पूरे भारत से इसमें जो लोग पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं, और उनकी गाड़ियां भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, और पिछले सालों से अलग हैं सभी गाड़ियां। तो ये सब कुछ मिलाकर जो आयोजन हो रहा है कर्मा लेक लैंड्स जो गोल्फ कोर्स है गुड़गांव में, वहाँ पर ये इंडिया गेट से फ्लैग ऑफ होकर ये गाड़ियाँ 40 किलोमीटर का सफ़र तय करके वहाँ तक पहुँचेंगी। भारत के विभिन्न प्रदेशों से आए हुए जो कलाकार होंगे वो इन गाड़ियों के साथ, तो भारत की संस्कृति और मोटरिंग संस्कृति दोनों का एक मिलन वहाँ देखने को सभी लोगों को मिलेगा, जो भी गुड़गांव और दूसरे प्रदेशों से जो लोग यहाँ आ रहे हैं इसे देखने के लिए। इस आयोजन के लिए पूरी दुनिया के कार पुल में से सिर्फ 125 विंटेज और क्लासिक कारों का चयन किया गया है, और जर्मनी और UK भी होगा शामिल। आयोजन में जर्मनी और UK से भी सहभागित रहेंगी। 21 गन सैल्यूट इंटरनेशनल विंटेज कार रैली और कॉन्ग्रेस ऑटो शो का 8वां सत्र संभवतः पहला ऐसा विंटेज शो है जिसमें पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की सीमाओं के बाहर से भी विंटेज कारें आ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय कारें भी होंगी शामिल। हर साल की तरह 21 गन सैल्यूट इंटरनेशनल विंटेज कार रैली और कॉन्ग्रेस शो के 8वें सत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय खूबसूरत कारों का प्रस्तुत किया जाएगा, जिनमें मैकटेक SW38 1937, हॉर्च 780 कार्बोलाइज 1959, लिस्टर कॉस्टिन जेगुआर 1933 जेगुआर SSI कुपे, जेगुआर XAK 120, मर्सिडीज 630 मार्फी, रॉयस सिल्वर घोस्ट और कई अन्य शामिल हैं। इसमें सबसे पुरानी जो गाड़ी है वो 1902 की है कैडिलैक, जो कि एक अमेरिकन कार है, और उसके अलावा जो भारत से बाहर से आने वाली जो 15 गाड़ियां हैं जो पहली बार, ये सभी गाड़ियां भी पहली बार आ रही हैं, और इससे सभी को एक नई चीज़ देखने का मौका मिलेगा। हमारा मुख्य उद्देश्य 2 हैं इसमें। एक तो जो हमारी यंगर जनरेशन है उसको मोटरिंग का जो इवोल्यूशन है 1886 में जो पहली कार बनी थी वहाँ से लेकर और आज तक की गाड़ियों का जो एक
इवोल्यूशन है, हर साल जो बदलाव आए उन गाड़ियों में, कैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, तो ये यंगर जनरेशन को प्रेरित करेगी कि कैसे कोई भी चीज़, एक छोटा सपना कैसे बड़ा बनता है, उससे वो प्रेरित करेगी उन्हें, और दूसरा उन्हें सभी चीज़ें देखने का मौका मिलेगा। और हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि भारत को हम वर्ल्ड हेरिटेज मोटरिंग टूरिज्म का जो मैप है उसमें हमें सबसे स्ट्रांग नेशन की तरह हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। भारत में हाई नेटवर्थ जो इंडिविजुअल हैं वो पहुँचे और यहाँ पर वो भारत के इंटीरियर्स में जाके इन गाड़ियों में बैठकर वहाँ जाएं, देखें, भारतीय संस्कृति को पहचानें और यहाँ हाई स्पेंडिंग करें, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का हमारा जो दूसरा तीसरा सपना है वो भी पूरा। खबर तहलका के लिए गुरुग्राम से विजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।